हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस वन का, वर्क पावर एनर्जी का, दैट इज कुलिजन। बेटा, कुलिजन के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा तो जानते ही हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, दो बॉडीज जैसे टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो उनमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस आती हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी चेंजेस, जितनी भी ये चेंजेस आ रही हैं, वो एनर्जी की फॉर्म में हो, मोमेंटम की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सारा का सारा बड़ा डिटेल्ड फॉर्म में और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ रखी होती है, जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो बेटा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, तो आपने 9th क्लास से ये टर्म पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऐसे था पॉजिटिव चार्ज। बेटा, हम इस पॉजिटिव चार्ज को भेज रहे होते हैं, कोलाइड करवाते हैं, बेसिकली किसके साथ कोलाइड करवाते हैं बेटा, एक न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करवाते हैं। तो बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो देखा गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट गए, बिल्कुल स्ट्रेट गए, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज बेटा टकरा के वापिस आए। तो हमने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज टकरा के वापिस आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है ऐसे स्कैटर करें विद लार्ज एंगल और विद स्मॉल एंगल। तो बेटा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन तो ये है आप लोगों से कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर रहा होगा बेटा, ठीक है। अगर ये कोलाइड कर रहा है, तो ये जो टकराने के बाद ये कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल वापस जा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्मॉल एंगल के साथ, और कुछ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये क्या हो क्या रहा था बेटा, कुलीजन तो कुलीजन है, तो ये टकराने के बाद स्ट्रेट आनी चाहिए थी, ये ऐसे क्यों जा रही है और ऐसे क्यों जा रही है। बेटा, अब हमने इसी को ही डिस्कस करना है, हमने इसी को ही बेसिकली समझना है कि ये जो पार्टिकल है, ये टकरा रहा है इसके साथ, कोलाइड कर रहा है। वैसे तो ये कोलाइड करते नहीं है, फिजिकली इंट्रैक्शन नहीं होती बेटा, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं बेटा, ये इसके पास आने से पहले ही वापस चले जाएगा। पर चलो, हम इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था बेटा, ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो गया और टकराने से जस्ट पहले ही वापस आ गया टकराने से। तो बेटा, मैं इसको टकराना ही बोलूँगा कि ये टकरा के इससे वापिस आया, ठीक है। तो आप अपने अभी इसको थोड़ा सा आइडिया ले लेना जो मैं बताना चाहता हूँ बेटा। ये जो हेड टू हेड, ये देखो कुछ पार्टिकल्स के बिल्कुल स्ट्रेट जाके वापिस आ रहे हैं, इस टाइप की कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे बेटा, आगे जाके, जिसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री ऐसे बन रहा है बेटा। यहाँ पे ये 180 डिग्री है, ये देखो बेटा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये 180 डिग्री के बाद, ये जस्ट ऊपर, तो बेटा ये वाला पार्टिकल देखो, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो ऐसे भी डिफ्लेक्ट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये 180 से थोड़ा सा छोटा एंगल है, फिर और छोटा होगा, कुछ पार्टिकल बिल्कुल ऐसे भी जा रहे होंगे 90 डिग्री। तो बेटा, ये अलग अलग एंगल पे अलग अलग तरह का बिहेवियर है बेटा। इस टाइप की कोलिजन को हम अलग तरह के नाम से पढ़ेंगे, जिसको हम हेड ऑन कोलिजन कह देंगे, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। और ये जो कोलिजन है बेटा, ये जो कोलिजन है, इसको हम कहेंगे ओब्लिक और 2D कोलिजन, ठीक है, ओब्लिक कोलिजन, क्योंकि ये एंगल बना रही है, कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, चाहे वो फेस सेम है, ठीक है, बट ये इसका प्लेन अलग अलग हो गया बेटा, ये प्लेन अलग में चलेगी। चलो, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू फ्रेश टॉपिक विथ कोलिजन। तो बेटा, कोलिजन को अगर हमने डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज सेट टू अकर, कोलिजन इज सेट टू अकर बिटवीन टू बॉडीज आइदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अदर। तो बेटा, यहाँ पे देखो, ये मैं वही तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा। तो उस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये क्या था, पार्टिकल गया और टकरा के ये वापिस आ रहा था।
जब ये वापिस आ रहा था बेटा, तो मैंने तो यही कहा कि इसके बीच में तो फिजिकल इंट्रैक्शन तो है ही नहीं है बेटा। तो ये कौन सी इंट्रैक्शन थी बेटा, क्या हो क्या रहा था? तो बेटा इसमें ना आप एक टर्म पढ़ोगे जिसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्ट रिपल्शन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी इसको इस फॉर्म में आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बेटा। तो अब से आप लोगों ने कोलिजन को इस फॉर्म में याद रखना है कि चाहे वो फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ रहा है, चाहे वो फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, बट हाँ किसी फोर्स के करके अगर वो अपने पाथ को डिविएट कर रहा है तो हम कहेंगे इट मीन्स देर इज सम टाइप ऑफ कोलिजन। समझ रहे बेटा? तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो भेजे गए थे, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स भेजे गए थे। तो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट था काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। तो ये गया जो कि थॉमसन का ही स्टूडेंट था। तो बेटा इसने यहाँ से भेजा अल्फा पार्टिकल को, टकरा के ये वापिस आया, तो कुछ कुछ एंगल से डिविएट करा। तो बेटा ये जो पाथ होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट करते होते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले के साथ, जो कि अभी आपके कोर्स में है नहीं है बेटा। अब यहाँ पे देखो इसकी अलग अलग तरह की टाइप्स समझते हैं, यहाँ पे देखो इसकी टाइप्स अगर समझ नहीं हो बेटा, इसकी टाइप्स आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको हमने बाइफर्केट किया है, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। समझ रहे ना बेटा? तो बेटा इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में समझना, थोड़ा सा फर्क समझना। इलास्टिक कब होता है बेटा? इलास्टिक, ठीक है, आपने घरों में देखा होगा कि हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, कि इलास्टिक वर्ड काफ़ी यूज़ किया होगा बेटा। इलास्टिक वर्ड आपने यूज़ करना है तो इसका लॉजिकली मतलब होता है बेटा, इलास्टिक कोलिजन को आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें लॉस ऑफ कैनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ कैनेटिक एनर्जी है ही नहीं है बेटा। बेटा ये बड़ा ही अच्छा होता है इलास्टिक कोलिजन में, मतलब कि कैनेटिक एनर्जी का लॉस ही नहीं होता बेटा, ठीक है, जब कोलिजन होती है ना तो बेटा, तो इसमें लॉस नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है बेटा, सम लॉसेस आर देयर बेटा। चलो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको, लॉस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन को ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा ये जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या एनर्जी में लॉस आ सकता है। तो सबसे पहला बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि इसमें मोमेंटम जो रहेगा ना बेटा, मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में ये कंजर्व रहता है बेटा, ये कंजर्व रहता है। वो कंजर्व रहना मतलब क्या बेटा, मतलब कि आपने पढ़ा होगा बेटा कि m1 v1 होता है बेटा। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टिकल सिस्टम लिया, ये m1 मास और ये मूव कर रहा था v1 वेलोसिटी के साथ बेटा, ये पार्टिकल है m2 और ये मूव कर रहा है v2 के साथ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये टकराने से पहले इसकी चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो, तो इनिशियल कंडीशन में m1, अगर फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी u1 थी और इसकी वेलोसिटी u2 थी, तो बेटा ये वाले जो मोमेंटम आएगा ना इसका m1 u1 और m2 u2 ये इक्वल रहेंगे। सिमिलरली टकराने के बाद फॉर एग्जांपल ये u1 वेलोसिटी ने v1 वेलोसिटी को अचीव कर लिया, तो ये जो v1 की वेलोसिटी और v2 की वेलोसिटी ये भी सेम रहेगी बेटा, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा, ठीक है। तो m1 v1 को ऐसे मान लो m2 v2 कि अगर ये इलास्टिक होगा, अगर आपको इलास्टिक होगा तो बेटा ये कंडीशन जरूर दिखेगी आपको, अगर ये कंडीशन नहीं दिख रही तो मतलब वो इलास्टिक ही नहीं है बेटा। सिमिलरली मैं अगर, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि कैनेटिक एनर्जी लॉस होती नहीं है, तो इसका मतलब कैनेटिक एनर्जी भी बेटा कंजर्व रहती है। समझ रहे ना बेटा? तो इसको ऐसे कह सकते हो कि इनिशियली हाफ m1 v1 स्क्वायर या m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर या u2 स्क्वायर, ये भी कंजर्व रहता है। समझ रहे ना बेटा? छोटी छोटी बातों को कोरिलेट करते रहो, इसको एंटर मारते जाते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा यहाँ पे जो फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती ना, फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन बेटा, कमाल की बात तो ये है कि ये भी कंजर्व है बेटा। अब देखो इसका फोर्थ पॉइंट इलास्टिक कोलिजन का,
कि जो मैकेनिकल एनर्जी ना, मैकेनिकल एनर्जी बेटा वो कन्वर्ट नहीं होती, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, किस किस में बेटा, हीट, साउंड एटसेट्रा, तभी तो वो टोटल एनर्जी को कंजर्व रख पाता है बेटा। और इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास एक बॉल है ठीक है, उसको मैंने नीचे फेंका, ये यहाँ पे गई, ये टकराने के बाद बेटा इसकी दोबारा पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पे ऊपर गई, तो बेटा इसकी फॉर एग्जांपल हाइट अगर एच थी तो ये भी हाइट अगर एच रहेगी, तो मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व है बेटा, टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, कंजर्वड है बेटा। और एग्जांपल देनी है तो ऐसे कह सकते हो कि सब अटोमिक पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, सब अटोमिक पार्टिकल्स बेटा, सब अटोमिक पार्टिकल्स से मतलब हमारा ये है कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है प्रोटॉन बेटा, प्रोटॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप अप डाउन, मीन्स ये सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं बेटा ठीक है। ये आपके कोर्स में फर्स्ट यूनिट में अगर आप देखोगे तो आप पढ़ोगे ठीक है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ठीक है, अप अप एंड डाउन। तो बेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ +1/3 +1/3, ऐसे लर्न करते थे बेटा, -2/3 sorry +2/3e +2/3e और -1/3e। तो बेटा इसको जब हम ऐड करते ना तो ये बन जाएगा +1/3 3/3e, 2 2 4 और 1 -3, तो 3/3, तो e बन गया +e। तो बेटा प्लस ई का मतलब ये एक प्रोटॉन है ठीक है, तो ये ऐसे बनता होता है। यू का मतलब जो है वो क्या है, इट वो 2/3e वैल्यू है इसकी, फ्रैक्शन में होती बेटा, दीज आर द सब अटोमिक पार्टिकल्स। तो बेटा चलो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो जो सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, सब अटोमिक पार्टिकल्स जैसे कि हम बात करें कुलिजन हो रही हो ठीक है, तो उसमें भी ये सारा का सारा कह सकते हैं कुलिजन बिटवीन सब अटोमिक पार्टिकल्स ठीक है, वो भी इलास्टिक रहते हैं, कुलिजन बिटवीन सब अटोमिक पार्टिकल्स। और कौन सी एग्जांपल दे सकते हो बेटा, कुलिजन बिटवीन ग्लास वॉल्स एटसेट्रा। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इन इलास्टिक कुलिजन, तो बेटा इन इलास्टिक कुलिजन को देखो, अब इन इलास्टिक कुलिजन कौन सी होती है बेटा, इन इलास्टिक कुलिजन वो कुलिजन है जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस है, देर इज सम एनर्जी लॉस ठीक है, देर इज सम एनर्जी लॉस, वो एनर्जी लॉस किसी भी फॉर्म में हो सकता है बेटा ठीक है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड में अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कह सकते हैं बेटा। इसके अगर पॉइंट्स और देखें, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है वेरी गुड, बट इसमें कमाल की बात यह है कि इसका मोमेंटम जो है ना बेटा, इट इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ठीक है, इसमें जो फोर्सेस जो इन्वॉल्व हो रही हैं दे आर नॉन कंजर्वेटिव, मतलब बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया ठीक है। इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी वो बेटा कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट होती है बेटा, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है। तो ये भी इसकी एग्जांपल बन सकती है। इसके बाद आगे बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कुलिजन, बेटा ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, परफेक्टली, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कुलिजन में भी देख लो परफेक्ट और इम्परफेक्ट होते हैं बेटा। बेटा जो परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी ना, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये एक बॉडी थी, ये दूसरी बॉडी से टकराई, तो बेटा ये स्टिक कर जाए और इट बिहेव्स लाइक अ वन बॉडी। जैसे आप बात कर सकते हो कि मर्ड हो गया या मतलब कि काउडंग केक हो गया बेटा, दीवारों के साथ स्टिक कर देते हैं या कुछ भी ऐसे किसी भी पार्टिकल के गीला वाला बेटा। तो बेटा मड जो है अगर हम बात करें तो वो टायर के साथ अटैच हो जाता है एकदम से ठीक है, या ऐसी एग्जांपल बना सकते हो बेटा आप कि ठीक है। तो और भी कर सकते हो बेटा, जैसे कि एग्जांपल लिख देता हूँ, मड जो है अगर मैं इसको थ्रो करूँ ऑन अ वॉल ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो स्टिक कर जाता है एंड स्टिकिंग टू इट। काउडंग केक की बात करें वो भी सेम ऐसे ही करता है ठीक है, स्टिक कर जाता है बेटा। और क्या आ जाती है बेटा एग्जांपल, बेटा एक और चीज़ बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न
न्यूक्लियर फीजन बेटा, उसमें भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकती है, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकती है, मतलब दो बॉडीज स्टिक करके एक बॉडी की तरह बिहेव करे, ठीक है, और कॉमन वेलोसिटी से चले, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख लेते हैं बेटा, देखो, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड बिहेव्स एज अ सिंगल बॉडी, बिहेव्स एज अ सिंगल बॉडी, ठीक है, स्टिक टुगेदर एंड बिहेव्स एज अ सिंगल बॉडी एंड मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी, एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। तो बेटा सिंगल बॉडी बन के कॉमन वेलोसिटी चलने वाली को हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इस ऐसी वाली टर्म में बेटा मोमेंटम जो रहता है ना, मोमेंटम बेटा ये मोमेंटम कंजर्व रहता है। बेटा अभी तक कोलेट करना, हमने जितनी भी टर्म्स किए उसमें मोमेंटम कंजर्व रखा हुआ है, बट लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, क्योंकि जीरो ही बन जाती बेटा, ठीक है, लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। बेटा इसके बाद देखो नेक्स्ट सुपर इलास्टिक कोलिजन। बेटा आप लोगों ने ऐसा सुना होगा क्रेजी बॉल आती थी पहले, ठीक है, अभी भी आती होगी, ठीक है, हम तो अपने टाइम पे वो खेलते थे क्रेजी बॉल के साथ। बेटा ये वॉल पे फेंकी तो बेटा ये पागल हो जाती थी बॉल, तो अपनी नॉर्मल वेलोसिटी से भी ज़्यादा स्पीड से भागती थी। तो बेटा क्या ये इलास्टिक है? ये तो इलास्टिक से भी, इलास्टिक का भी आगे एक स्टेप है, ठीक है, तो ये तो आगे बढ़ रही है। तो बेटा ऐसी वाली कोलिजन जो कि इलास्टिक, जैसे जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी से वापिस आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये सुपर इलास्टिक है बेटा, सुपर इलास्टिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में क्या होता है बेटा कि कैनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होने की जगह ये बढ़ जाती बेटा, कैनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती बेटा, पीछे वाले में तो कम हो रही थी, यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इन सच अ कोलिजन द कैनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, दिस अकर इफ देयर इज अ रिलीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द इम्पैक्ट, ऑन द इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये क्रेजी बॉल वाली एग्जांपल दे सकते हो आप, या क्रैकर्स वगैरह जो होते हैं बर्स्ट हो जाते हैं एकदम से, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, ठीक है, व्हेन इट्स हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली, ठीक है, ये सुपर इलास्टिक की कह सकते हैं एग्जांपल, ठीक है बेटा। और देखो बेटा एक होती है बेटा हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। बेटा हेड ऑन कोलिजन ज़्यादातर ये 1D में ही बात कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये 1D कोलिजन है, ठीक है, वन डायमेंशनल कोलिजन। तो बेटा ये जो वन डायमेंशनल कोलिजन है, ये जो वन डायमेंशनल कोलिजन है हेड ऑन कोलिजन, इसमें क्या होता है बेटा, ये देखो ये बॉल थी, ये बॉल थी, ये बॉल इस बॉल के साथ टकराई, ठीक है, ये बॉल इस बॉल के साथ टकराई, टकराने के बाद अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाए, तो हम कहेंगे कि ये 1D है। जैसे हम बात करते हैं कि कोलिजन जो हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर रेलवे ट्रैक पे जा रहे हैं, तो रेलवे ट्रैक में अगर दो हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों कंपार्टमेंट्स आपस में कोलाइड करें और फिर भी वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें, ठीक है, उसी लाइन में मूव करें टकराने के बाद भी, तो बेटा वो 1D आ जाता है, तो वो 1D आ जाता है। अगर मैं बात करूं ओब्लिक कोलिजन की या 2D कोलिजन की, तो बेटा ओब्लिक कोलिजन या 2D कोलिजन का मतलब समझना, जैसे ये बॉडी इसके साथ टकराई, तो ये टकराने के बाद अलग अलग डिग्री के एंगल पे ऐसे चली गई हो। फॉर एग्जांपल ये बॉडी इसके साथ टकराई, तो ये साइड ऑन कोलिजन भी कह देते हैं बेटा, साइड ऑन कोलिजन,
क्योंकि हल्का सा साइड पे टकराएगा, तो ये टकराने के बाद ये नीचे गई होगी, ये ऊपर गई होगी, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट एंगल बन जाएगा बेटा। जब ये फाइनाइट एंगल बन जाएगा मतलब कि ये मूव नहीं करी स्ट्रेट लाइन में, बट ये कुछ ना कुछ फाइनाइट एंगल बना रही है और मतलब प्लेन में मूव कर रही है अब ये, ठीक है। तो इस टाइप की जो कोलिजन होती है इसको हम कहते हैं 2D कोलिजन या ओब्लिक कोलिजन, समझ रहे बेटा।